बाहर क्या है और हमारा टारगेट क्या है? ऐसा भविष्य बर्बाद हो ही रहा है, तुम्हें कहा जा रहा है 12 तारीख को पटवारी का पेपर दीजिए। इस खेल में ये पता हो जीतना किसको है हारना किसको है। उत्तराखंड में संभव है अपने लेटर पर अभिभावक अपने एक बेटे को अपने एक बेटी को दूर दराज गाँव से अलग करके देहरादून श्रीनगर हल्द्वानी हरिद्वार इन रुड़की इन महंगे महंगे शहरों में भेजती है। उन्हें पता है मेहनत का, उन्हें पता है कि गांव की जिंदगी कितनी कठिन है। उन्हें पता है जब 4 बजे वो उठते हैं तो गाय भैंस के लिए जो चारा लाते हैं उसके लिए जाते हैं, उसके बाद पता है कि 7 बजे खेत में भी जाना है, उसके बाद पता है बर्फ पड़ी हो धूप हो सर्दी हो बारिश हो उन्हें काम करना है। इसलिए उनके भी सपने होते हैं, उनके सपने होते हैं मेरा बेटा देहरादून में तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा हल्द्वानी में तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा श्रीनगर में तैयारी कर रहा है। तैयारी किस लिए कर रहा है? नौकरी के लिए। उनकी तो गोलियां लग चुकी है, उन नौकरियों की गोलियां लग चुकी है। और गोलियां लगाने वाले कौन है? गोलियां लगाने वाले कौन है? बैठे लोग सारे बीजेपी के चोर। जो भी पेपर खुलता है, जो भी घोटाला खुलता है, दूसरे दिन नाम आता है कि इस पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष फिर बड़े नेताओं से कुछ कर नहीं पाते क्योंकि SIT अच्छी होती है, बड़ी आई नहीं। फिर कहते हैं दो नाम आ रहे हैं, कोई संभावित विधायक है कोई संभावित मंत्री। अरे नाम बताइए कौन है? अरे गामा जी के लगे उनके पोस्टर लगा लो। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी परीक्षा दे के करोगे क्या? जहाँ पर सब पहले से ही फिक्स है, अगर प्रति सेट देने का इतना ही शौक है उसके लिए 5-7 हजार खर्च करके पहाड़ों में दूर दराज जाके पेपर देने की योजना। मैं इससे सच्चाई कर रहा हूँ, बात कड़वी हो सकती है